अभी कोर्स सात के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कोर्स सात है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। बहुभाषी शिक्षण पर, बहुभाषा पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है और बहुत सारे जानकारी आपको मिलती है। ये बताने में हमको खुशी हो रही है कि बहुभाषा शिक्षण के लिए हमारे SCERT से 16 विभिन्न भाषाओं पर काम किया गया है और इन पर पुस्तक बनी है जिनका उपयोग आप कक्षा शिक्षण में करते होंगे। तो आइए हम बहुभाषा शिक्षण प्राथमिक कक्षाओं में कैसे करें, क्यों करें, इस पर संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे। इस कोर्स को जो डिजाइन किया गया है उस डिजाइन में मुख्यतः कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनमें से मुख्य बातें आपके सामने स्क्रिप्ट पर दिखाई दे रहा है, जिनमें से पहला है हमारे देश में भाषाओं का ताना बाना। हमारे देश में किस तरह की भाषाएं हैं, कहाँ कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती है और हमारे शिक्षण पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, इस पर बातें की गई है। दूसरा है बच्चों पर भाषा संबंधी अंतर का दुष्प्रभाव। कोई बच्चा अलग भाषा बोलता है, कोई दूसरा बच्चा उसे अलग भाषा बोलता है और शिक्षक कोई और अलग भाषा बोलता है, और इन भाषाओं के अंतर पर शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है कि खराब प्रभाव पड़ता है, इन पर मुख्यतः चर्चा की गई है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की परिचित भाषा का महत्व। बच्चे जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा को शिक्षण प्रक्रिया में कैसे लागू किया जाए और लागू करने से उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, ये इन पर बातें की गई है। बच्चों की मातृभाषा के प्रयोग हेतु प्रावधान, ऐसा क्या क्या प्रोविजन है जो रखा गया है हमारे इस कोर्स में जिससे बच्चे मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। बहुभाषी शिक्षण का क्या अर्थ है और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इस पर बातें की गई है। बाल वाटिका में बहुभाषी शिक्षण कैसे किया जाए, किन चीजों का उपयोग किया जाए, इन पर विस्तृत चर्चा की गई है इस कोर्स में। और बहुभाषी शिक्षण की क्या रणनीति हो, कैसे रणनीति बनाए कक्षा में जिससे बहुभाषी शिक्षण प्रभावशाली हो सके और बच्चे उससे लाभान्वित हो सके। तो आइए हम पहले बिंदु पर बात करते हैं, प्रारंभिक वर्षों में शिक्षण के लिए होने वाली भाषा की चुनौती। शुरुआती वर्ष, हम मुख्यतः शुरुआती वर्ष में कक्षा 1 से 3 को मानते हैं और बहुभाषी शिक्षण कक्षा 1 से 3 के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इस पर इस कोर्स में चर्चा की गई है। हमारे देश में लगभग 35% बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में ऐसी भाषा के माध्यम से सीख रहे होते हैं जो उनके लिए परिचित ही नहीं है। जब ये बच्चे कक्षा 1 में स्कूल में भर्ती होने के लिए आते हैं तो वो उस स्कूल की भाषा को या तो बिल्कुल नहीं जानते या उसे बोलने समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे 35% बच्चे हैं जो हम स्कूलों में पढ़ाते हैं। हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करना चाहें तो हिंदी कहेंगे तो हिंदी में हमारे पाठ्य पुस्तक लिखा हुआ है, लेकिन हमारे इस संदर्भ में कहें, भारत के संदर्भ में कहें, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी 35% बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी को बिल्कुल नहीं जानते हैं शुरुआती दौर में, और उनकी भाषा घर की भाषा अलग होती है और जैसे ही वो स्कूल में आते हैं वो सीधा डायरेक्ट हिंदी में सिखाना चालू करते हैं, जिस कैसे दुष्प्रभाव पड़ते हैं उस पर बातें की गई है। इन्हीं सारी चीजों को दूर करने के लिए निपुण भारत योजना कार्यक्रम चल रहा है जिसको FLN के क्रियान्वयन करने के लिए बनाया गया है, और निपुण भारत योजना में दिए गए बातों में वो नहीं समझ पाते, उसमें वो समझ के साथ धारा प्रवाह में से पढ़ने और स्वतंत्र रूप से कैसे सक्षम होंगे। जिस भाषा को बच्चे समझ नहीं पाते उस भाषा में हम यदि उसको पढ़ाएंगे तो वो आगे उसको धारा प्रवाह पढ़ने में वो कैसे सक्षम होगा, इसका यह आशय होता है कि हमें उस भाषा का उपयोग करना चाहिए अध्ययन अध्यापन करने में जो बच्चे जानते हैं, बच्चे की भाषा होनी चाहिए।
हम जो काम करते हैं, पिछला बच्चा कहता है मेरी कक्षा है, मेरी परीक्षा होगी, मेरा आकलन होगा, मेरा मूल्यांकन होगा, मुझे पढ़ाना है, मुझे सिखाना है, जब इन सब के केंद्र में मैं ही हूं, तो मेरी भाषा क्यों नहीं है, मेरी भाषा क्यों नहीं है, सारे चीज मेरे लिए है, लेकिन जब मैं स्कूल में आता हूं तो मेरी भाषा ही नहीं है। ये ऐसे बच्चे का के लिए सोच है। तो हम हमारे देश में कितने प्रकार की भाषाएं हैं बोली जाती हैं, एक संक्षिप्त तो हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। और वास्तव में बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिकता क्या है, तो बहुभाषिकता को हम दो या दो से अधिक भाषाओं में सुनकर समझने, बोलने, पढ़ने या लिखने की क्षमता के रूप में देखते हैं। दो या दो से अधिक भाषाओं, ये बहुभाषिकता हमारे भारतीय जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, हमारे देश के हर राज्य में बहुभाषिकता है। उदाहरण देना चाहूं, छत्तीसगढ़ के बारे में कहें तो चलिए आ जाते हैं पिथौरा की तरफ। यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम उड़ीसा की सीमा की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही हम उड़ीसा की सीमा की ओर जाते हैं तो वहां पर उड़िया का प्रभाव पड़ता है, वहां गोंडी भाषा, वहां की लोकल भाषा है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो ऐसी जगह जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां हमारे जीवन में बहुभाषा ही है। उड़िया से वो बच नहीं सकते, गोंडी से वो बच नहीं सकते, उसकी घर की भाषा है। थोड़ा सी बाहर आएंगे तो उड़िया भाषा है, और जब हम स्कूल में आ जाते हैं तो हिंदी भाषा है, और स्कूल में और आगे जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा है। तो एक दो तीन चार कितने भाषाएं आती है। तो हमारे जीवन में बहुभाषिकता है ही है, और इस बहुभाषिकता को हम बर्डन के रूप में करेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इस बहुभाषिकता को हम सीखने के लिए कैसे उपयोग करें, ये इस पर चर्चा की गई है। और ये बहुभाषिकता सीखने में कैसे मदद करती है, कैसे बहुभाषिकता को सीखने के लिए मदद के रूप में इस्तेमाल करें, इन पर बातें की गई है। तो कुछ सेंसस कहते हैं कि हमारे देश में 1961 की सेंसस जनगणना के अनुसार से 1652 मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा का मतलब है बच्चे जो भाषा को जानता है, बच्चे जन्म लेते हैं और जिस समय भाषा को सुनता है, उसकी माता बोलती है, उनके परिवार घर में बोलते हैं, वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। तो ऐसी 1652 भाषाएं थे वो 1961 की जनगणना में, जबकि 2011 की जनगणना में ये भाषाएं 1369 के आसपास पाई गई है। ये एक सिमंस एंड फेंटिंग 2018 में इन्होंने सर्वेक्षण किया तो उनको 462 भाषाएं के बारे में पता चला। वैसे ही 780 भाषाएं 2010 की पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया PLSI के सर्वेक्षण में उन्होंने 780 भाषाओं को आइडेंटिफाई किया जो बच्चे बोलते हैं, उसके परिवार में बोलते हैं। ये वो भाषाएं हैं जो हमारे विद्यालय के भाषा से भिन्न होती है। यदि हम बहुभाषी शिक्षण को परिभाषित करना चाहें तो बहुभाषी शिक्षा का मतलब होता है बच्चों की भाषा, फिर उसके बाद अन्य दूसरी भाषा, या उसके बाद अन्य तीसरी भाषा, यदि चौथी भाषा है तो वो भी चौथी भाषा। तो यदि इन सभी भाषाओं को मिला दे, बच्चों की भाषा को मिला दे, शिक्षक बोलता है उस भाषा को मिला दे, गांव के लोग बोलते हैं उस भाषा को मिला दे, उसके क्षेत्र के लोग बोलते हैं उस भाषा को मिला दे, तो हम कहते हैं कि ये बहुभाषा है। जनगणना के अनुसार हमारे देश के एक चौथाई से अधिक लोग दो भाषाएं बोलते हैं। एक चौथाई देश में, एक चौथाई अर्थात 25% से अधिक लोग दो भाषाएं बोलते हैं, जबकि 7% से अधिक लोग तीन भाषाएं बोलते हैं। ये बोलना ही है, इससे बचा नहीं जा सकता है। एक छोटे आकलन से पता चलता है कि हमारे देश के प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चे
घर और स्कूल की भाषा में अंतर होने के कारण आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कम से कम 25% बच्चे ऐसे हैं जो उसके घर की भाषा और स्कूल की भाषा में डिफरेंट होने के कारण, अंतर होने के कारण शिक्षण में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। मतलब वो भाषा नहीं सीख पाता, और भाषा नहीं सीख पाता तो उसके अन्य विषय नहीं सीख पाते हैं, ये आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। और इस अपरिचित भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चे को जो हम कैटेगराइज करते हैं, श्रेणियों में बांटते हैं, तो हमको 5 श्रेणी दिखाई देती है, जिनमें से पहला है अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे के लिए है पहला श्रेणी। विशेष रूप से वे बच्चे होते हैं जो सुदूर आदिवासी या जनजाति बहुल इलाकों में रहते हैं और घरों में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, जंगलों में रहते हैं और वो जहाँ रहते हैं उसकी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही स्कूल में आते हैं वो एकदम डिफरेंट भाषा का उनको स्कूल में पढ़ना पड़ जाता है। दूसरा कैटेगराइज है वे बच्चे जो किसी ऐसे राज्य में रहते हैं जिसकी प्रमुख भाषा उनकी अपनी भाषा से अलग है, और ऐसे बच्चे जो अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों पर रहने के कारण किसी अन्य भाषा में पढ़ रहे होते हैं। उनकी भाषा अलग है लेकिन अंतरराज्यीय सीमा में होने के कारण दूसरे भाषा में पढ़ रहे हैं। उदाहरण अभी आपके सामने रखा गया था, उड़ीसा के सीमा में रहने के कारण उसकी भाषा उड़ीसा का भाषा है लेकिन हिंदी में पढ़ रहा है, गोंडी में पढ़ रहा है। तीसरा है बच्चे जो कोई ऐसी स्थानीय भाषा बोलते हैं जिसे वहां की स्कूली भाषा की एक बोली माना जाता है। स्थानीय भाषा बोलते हैं लेकिन स्कूल भाषा में उसको भाषा नहीं बोलते हैं, उसको बोली कहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है, बोली है। बागड़ी, बुंदेली, मारवाड़ी, भोजपुरी, ये ऐसी भाषा है जिसको बोली के रूप में देखा जाता है, भाषा के रूप में नहीं देखा जाता है। चौथा कैटेगराइज है ऐसे बच्चे जिनकी भाषा लिखित साहित्य आदि के रूप में पर्याप्त रूप में विकसित तो है, फिर भी शिक्षा के माध्यम के रूप में उनका प्रयोग ही नहीं किया जाता। इनकी लिटरेचर मिल जाएगा लेकिन हमारे विद्यालय में इनका प्रयोग ही नहीं। ये ज्यादातर कश्मीर में कोंकणी, डोंगरी ऐसे बाहुल राज्यों में है। पांचवा कैटेगराइज है ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए विवश है। ये हर जगह है, हमारे छत्तीसगढ़ में हर जगह है ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए विवश है, पर स्कूल के बाहर उन्हें अंग्रेजी भाषा में बोलने सुनने को मिलते ही नहीं है, और अंग्रेजी हम उसको विद्यालय में पढ़ाते हैं और जैसे ही कक्षा के बाहर निकलता है कोई उसको एक अक्षर अंग्रेजी में बोलता है न एक अक्षर वो अंग्रेजी में बोलते हुए वो सुनता है। इन भाषा के बारे में कहा गया है, ओल्फेंट ने कहा है कि शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हॉलिडे जी ने कहा है कि जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो वे बहुत सारे विषयों में से सिर्फ एक विषय नहीं सीख रहे होते हैं बल्कि वे सीखने की आधारशिला सीख रहे होते हैं। हम केवल भाषा सिखाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी ही सीख रहा है बल्कि वह सीखने की आधारशिला सीख रहा हो। इसका ये मतलब है कि बहुभाषा को शिक्षा को बेहतर ढंग से जानना चाहिए, इसलिए इस कोर्स को अच्छे ढंग से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जिम कमिंस का कहना सुनेंगे तो देखिए क्या कहते हैं, स्कूल में किसी बच्चे की भाषा को खारिज करना बच्चे को खारिज करने के बराबर है। तो बच्चे की भाषा को कितना महत्व देना है एक शिक्षक के लिए, ये कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी महत्व की बात है। कक्षा में बच्चों के भाषा क्यों और कैसे हो, तो आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक जीवन लाल जी एक शिक्षक है छत्तीसगढ़ के स्कूल के, उसकी एक कहानी है। और जीवन लाल जी बहुत मेहनती शिक्षक है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उनकी कक्षा में ये समस्या है कि मेहनत करने के बाद बच्चों की भागीदारी बहुत कम रहती है।
जीवन लाल जी का ये मानना है कि बच्चों को स्कूल के भाषा में पढ़ाया जाए, अर्थात स्कूल की भाषा हिंदी है वो हिंदी में पढ़ाया जाए। यदि बच्चे की भाषा हिंदी नहीं है तो ऐसे बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाए, शुरू से ही हिंदी में पढ़ाया जाए, ऐसा उसका मानना है। और वो अपने मान्यता के आधार पर पढ़ाता है। तो उन्होंने कैसे पढ़ाया, संक्षिप्त हम चर्चा करना चाहेंगे। उन्होंने एक चित्र दिखाया और एक चित्र दिखा करके बच्चों से पूछा, ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? तो बच्चे ने जवाब दिया, सर ये एक ठन रुख है, ये एक ठन रुख है, मतलब यह तो एक पेड़ है। तो जीवनलाल जी शिक्षक जो बहुत मेहनत करते हैं, कहा एक ठन और रुख का क्या मतलब होता है, तुमको नहीं आता है, देखना नहीं आता है चित्र को। फिर दूसरे बच्चे से पूछा तो उसने कहा, सर इटा तो गच आवे, सर यह तो एक पेड़ है। तो उनको भी जीवलाल जी ने खारिज कर दिया, एक पेड़ है क्यों नहीं बोलते, इटा चाहे गच आवे क्यों बोलते हो। फिर उन्होंने पूछा उसमें कौन सा फल लगा हुआ है, तो एक बच्चे ने जवाब दिया, आम तो आए, जिसका मतलब होता है आम तो है, बच्चा ने आम तो आए बोल रहा है। तो ये इस तरह से शिक्षक ने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद बच्चे की भाषा को उन्होंने महत्व नहीं दिया, वो हिंदी को महत्व दिया, स्कूल के भाषा को महत्व दिया, और इस तरह से उसकी कक्षा निरस्त होता गया। बच्चे आप कल्पना कीजिए, ऐसे यदि शिक्षण होगा तो क्या बच्चे सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरा जवाब तो नहीं है, आपका जवाब क्या है? आज अब हम एक दूसरा विद्यालय की बात करते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के है, महिमा नाम के एक टीचर है, उन्होंने पढ़ाया एक पाठ को, पाठ 17 है, कक्षा पहली की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है पाठ 17, बंदर और गिलहरी, ये उसकी कहानी है, उसको उन्होंने पढ़ाया। तो महिमा जी ने बच्चों को कहानी पढ़ाया और उन्होंने फिर उनको चित्र दिखाया और बोला, उस पुस्तक की कहानी में बताओ क्या चित्र में दिखाई दे रहा है। तो एक बच्चे ने खड़े होकर के बोला, चिर्रा मूसा, बंदर और गिलहरी की कहानी में ये चित्र बना हुआ था, तो एक चित्र पर उंगली रख करके दिखाया, बच्चों बताओ ये कौन सा चित्र है। तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि चिर्रा मूसा, मतलब उन बच्चे वहां उससे गिलहरी को चिर्रा मूसा कहते। एक बच्चे ने कहा बेंद्रा और गच, तो उन्हें मतलब है बंदर और पेड़। एक बच्चे ने कहा रूख में बेंद्रा सूते हैं, तो बेड पर बंदर सो रहा है, इस चित्र में पूरा चित्र में इस तरह के ताना बाना था। तो महिमा नाम के जो टीचर है, फिर उन्होंने कहा ये चिर्रा मूसा क्या कर रहा है। देखिए यहां पर महिमा नाम के टीचर कर रहे हैं कि एक बच्चे ने कहा था कि चिर्रा मूसा है, और अब उसके बाद टीचर कह रहे हैं कि चिर्रा मूसा क्या है, जबकि हम पहले में देखे कि जीवलाल के कक्षा में एक ठन पेड़ हवे, तो वो टीचर ने कहा ये ठन क्या है और रुख क्या है, जबकि यहाँ वो हिंदी का महत्व दे रहा था, यहाँ बच्चे की भाषा को महत्व दे रहा है, बच्चे के साथ काम कर रहा है। तो ये इस तरह से उन्होंने पढ़ाया, और एक जीवनलाल जी ने उन्होंने पढ़ाया, दोनों ने बहुत मेहनत किया, और बहुत मेहनत करने के बाद एक के परिणाम बहुत सार्थक आया और दूसरे के परिणाम सार्थक नहीं आया। केवल अंतर क्या था दोनों के पढ़ाने में, कि एक ने बच्चे की भाषा को महत्व दिया, बच्चे की भाषा के अनुसार सिखाया, और दूसरे ने बच्चे की भाषा को नहीं, स्कूल की भाषा को महत्व दिया। ये दोनों कक्षा में हम जब देखेंगे तो महिमा की कक्षा में सक्रिय भागीदार रहा बच्चों का, बच्चों के चेहरा आत्मविश्वास के भाव से भरा रहा, बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन कल्पना ये सब करने की क्षमता आई। ये इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अब आइए देखते हैं बच्चों की भाषा उन्हें दूसरी भाषा सीखने में कैसे मदद करती है। अभी हम देखे हैं कि बच्चे की भाषा फिर नहीं सिखाने से क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करना चाहते हैं कि बच्चे की भाषा दूसरी भाषा को सीखने में कैसा मदद करता है। दरअसल भाषा के बारे में कहा जाता है
कि भाषा से जुड़े ऐसे बहुत से कौशल होते हैं जो अलग अलग भाषाओं में भी एक समान ही होता है, और लोगों का जो भाषा के जानकार लोगों का मानना है कि सारी भाषाओं को सीखने के केवल और केवल एक तरीके होते हैं। जब गहन सोच में जाकर के देखेंगे तो सभी भाषा एक जैसे ही सीखा जाता है। अंग्रेजी को अलग ढंग से सीखा जाता है ऐसा नहीं होता है, बुंदेली को अलग ढंग से सीखा जाता है ऐसा नहीं होता है। जब हम गहन विचार करने के बाद जब निष्कर्ष में पहुंचते हैं तो की बात है। तो ऐसे बहुत सारे कौशल हैं भाषा सीखने के, उन कौशल को यदि हम जान जाते हैं तो एक भाषा को यदि सीख गए हैं तो हम दूसरी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं, तीसरी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो वो कौशल क्या है? तो वो कौशल हम मुख्य रूप से तीन भागों में देखते हैं, तीन में देखते हैं। एक है अवधारणात्मक ज्ञान, दूसरा है पढ़ने लिखने से संबंधित कौशल, और तीसरा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो आइए अलग अलग देखते हैं। अवधारणात्मक ज्ञान क्या होता है? यदि बच्चों ने अपनी भाषा में किसी अवधारणा को सीख लिया है, अपनी भाषा में किसी अवधारणा को सीख लिया है, तो उन्हें हिंदी या अंग्रेजी में दोबारा सीखना नहीं पड़ता। एक टीचर को बेहतर ढंग से इसको समझ रहे हैं, बच्चे किसी चीज को अपनी भाषा में सीख लिया तब हम उसको हिंदी में सिखाएंगे या अंग्रेजी में सिखाएंगे तो हमको मेहनत करने की आवश्यकता बहुत कम है। केवल नई भाषा में उसे क्या कहते हैं यह जानना भर होता है, इतना ही जानना होता है कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं जिस चीज को वो अपनी भाषा में सीख ले। चलो उदाहरण देकर के उदाहरण सीखते हैं। यदि बच्चों को पहले से अपनी भाषा में बरगद के पेड़ के बारे में मालूम हो, तो अब कल्पना कीजिए किसी बच्चे को बरगद के पेड़ के बारे में पूरा मालूम है। जैसे बरगद के पेड़ को बच्चे जानता है बर रुख जानता है। अब हम स्कूल में पढ़ाएंगे उसको बरगद पढ़ाएंगे, तब वो बर रुख जानता है और बरगद को कैसे सीख जाता है कल्पना कीजिए। बर रुख के बारे में वो पूरा जानता है, बर के उसके तना के बारे में जानता है, पत्ती के बारे में जानता है, रंग के बारे में जानता है, डाल के बारे में जानता है, अपनी भाषा में जानता है। लेकिन हम उसको जैसे ही हिंदी में कहेंगे जिसको तुम बर रुख कह रहे हो वो बरगद है, तो आप बताओ बर रुख को हम बरगद बताए हैं लेकिन अब हम नहीं कहेंगे कि बरगद में इसके तना मोटा होता है, पत्ती हरा होता है, ये नहीं कहेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी जा रहा है बर रुख के बारे में जा रहा है। तो एक भाषा में सीखना दूसरी भाषा में कितना मदद कर रहा है ये देखिए, ये अवधारणात्मक ज्ञान कहलाता है। केवल हमको एक चीज बताने की जरूरत पड़ती है, बाकी चीज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने खुद वर्णन कर लेता है। वैसे ही पढ़ने लिखने से संबंधित कौशल, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, यदि एक बार पढ़ना लिखना बता दे तो जिसको वो हिंदी में लिखा है या अपनी भाषा में लिखा है तो कैसे लिखा जाता है वो खुद लिखना समझ जाएगा। और तीसरा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में चार पांच ऐसी बातें हैं, चार बातें हैं जो उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के बारे में वर्णन करता है। इसमें से पहला है किसी पढ़ी या सुनी हुई कहानी या लेख के मुख्य विचार को बता पाना। हम किसी चित्र पर बात किए हैं उसके मुख्य विचार को यदि बता पाता है तो हम ये उच्च स्तरीय चिंतन कौशल है। यदि वो अपनी भाषा में बता पाता है उस लेख के कहानी को तो हम दूसरी भाषा में उसको बताने के लिए कहें तो कुछ कुछ शब्दों को कुछ कुछ अक्षरों को बताएंगे तो वो उसको दूसरी भाषा में बता पाएगा। किसी पाठ का सारांश बता पाना, अपनी भाषा में पाठ का सारांश बता पाता है तो दूसरी भाषा में पाठ का सारांश बता पाता है क्योंकि उसको अवधारणात्मक ज्ञान है। पात्रों वस्तुओं या घटनाओं में समानता और अंतर खोज पाना, जैसे उस चित्र के बारे में कहा गया है बच्चे आपस में चर्चा करते हुए अंतर खोज करते हैं। किसी विषय पर तर्क वितर्क करना और कारण सहित अपना पक्ष रख पाना, ये उच्च स्तरीय चिंतन कौशल कहलाता है। तो ये तीन चीज वो अपनी भाषा में सीख जाता है तब उसको दूसरी भाषा और तीसरी भाषा सीखने में ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, शिक्षक को ज्यादा मेहनत कराने की जरूरत नहीं है, वो उसको अच्छी तरह से सीख जाएगा।
और इस सारी चीजों को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी हम जिसके संदर्भ में हमें बात करते हैं उसके अनुसार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है बहुभाषा शिक्षण के लिए कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर रूप से सीखते हैं, जहां तक संभव हो सके कम से कम पांचवी तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी ही भाषा में होनी चाहिए, जहां तक संभव हो सके स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का निर्माण होना चाहिए। कक्षा में बहुभाषी शिक्षण को अपनाते हुए बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा का सोचा समझा प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत उनकी अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। ये NEP 2020 का रिकमेंडेशन है। बहुभाषा शिक्षण के लाभ ये करते हैं, बहुभाषा शिक्षण को ध्यान में रख करके अध्ययन अध्यापन करने से उनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं तो देखिए, कक्षा में सीखने सिखाने के लिए खुशनुमा और सहज माहौल बनता, बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना पैदा होना, बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ पाना, बेहतर रूप से अन्य भाषाएं सीखना सिखाना, सभी राज्यों में बच्चों की समझ और शैक्षिक परिणाम बेहतर होना, रटंत विद्या की जगह समझ, अभिव्यक्ति, कल्पना, रचनात्मकता और उच्च स्तरीय चिंतन पर ध्यान देना, ड्रॉप आउट की दर में कमी होना, बच्चे जब सीख नहीं पाएंगे तो स्कूल में उसके रुचि नहीं होगा, वो स्कूल आना पसंद नहीं करेंगे, जिसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। यदि उनकी भाषा को महत्व देंगे, रुचि बढ़ेगी, उनकी भाषा का सम्मान मिलेगा, वो स्कूल आएंगे, आत्मीयता बढ़ेगी, तो ड्रॉप आउट अपने आप खत्म हो जाएगा। स्कूल और समुदाय का आपसी संबंध मजबूत होना, शिक्षक स्कूल की भाषा को स्कूल में बोले, समुदाय के साथ बात करें तो उनकी भाषा में बात करें, इससे स्कूल और समुदाय के बीच जो संबंध है वो और अच्छा होता जाएगा। वंचित समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के मौके मिलना, बहुभाषी शिक्षा शिक्षण पद्धति की आधारभूत विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए, कक्षा में किसी एक विशेष भाषा का प्रभुत्व न होना। यदि हम बहुभाषी शिक्षा को महत्व देते हैं तो एक ही भाषा का प्रभुत्व नहीं रहेगा। अपरिचित भाषा सिखाने के लिए मजबूत शिक्षण तकनीकी और बच्चों की भाषाओं की मदद लेना, भाषाओं को अलग अलग खांचों में न रखकर उनका मिला जुला या मिश्रित स्वरूप का प्रयोग करना, बच्चों की भाषाओं को कक्षा में सम्मानजनक स्थान मिलना और शिक्षण प्रक्रिया में भरपूर इस्तेमाल करना, बच्चों के परिवेश, अनुभवों, पूर्व ज्ञान और संस्कृति को पाठ्यचर्या में शामिल करना और सीखने सिखाने का आधार बनाना, सभी विषयों के शिक्षण के लिए बहुभाषा शिक्षण की पद्धति को अपनाना, ये बहुभाषी शिक्षण पद्धति की आधारभूत विशेषताएं हैं। आइए कुछ बाल वाटिका कार्यक्रम के बारे में, बहुभाषा या प्रारंभिक भाषा और साक्षरता पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है, इस पर चर्चा करें। L1, L1 का मतलब है बच्चे की भाषा या क्षेत्रीय भाषा, L2 है क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा, L3 है हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कह रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषा। कुछ संदर्भों में वातावरण में चौथी भाषा भी रहती है, तो मुख्यतः दो भाषा तो रहते ही है कहीं हर जगह, तीन भाषा भी होती है, चार भाषा भी होती है। L1 इसको हम बच्चे की मातृभाषा कहते हैं, शिक्षा का प्रारंभिक माध्यम है और अधिकांश प्रारंभिक भाषा और साक्षरता का समय इस भाषा पर खर्च किया जाना है, अधिकांश इसी भाषा पर खर्च किया जाना है। L2 और L3 को मौखिक गतिविधियों और पर्यावरण प्रिंट के रूप में पेश किया जा सकता है,
द्वितीय भाषा और तीसरे भाषा को मौखिक गतिविधियां और पर्यावरण प्रिंट के रूप में पेश किया जाना चाहिए। L2 और L3 अर्थात दूसरी भाषा और तीसरी भाषा पढ़ाते समय बच्चे को भाषाओं के मिश्रण का उपयोग करके प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। दूसरी भाषा और तीसरी भाषा को मिश्रण करके प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विशेष रूप से पहली L1 को L2 और L3 सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। L1 का उपयोग L2 और L3 सीखने के लिए करना चाहिए। L2 का हम यहाँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहें तो हिंदी भाषा, जबकि हम लोग करते क्या है, हिंदी भाषा को पढ़ना है, हिंदी भाषा में बोलना है, हिंदी भाषा में लिखना है, और उसके L1 भाषा मातृभाषा को हम भूल जाते हैं, जिसके कारण हम हिंदी को ठीक से L2 को ठीक से नहीं पढ़ा पाते, नहीं सिखा पाते हैं। किसी भी स्क्रिप्ट को L1 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उनकी मातृभाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसके बाद L2 में आना चाहिए। L1 को बेहतर ढंग से सिखाएं और उसके बाद L2 में आए, L3 में आए। और ये सब करने के लिए कौन सी रणनीति होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं कौन सी रणनीति है। तो रणनीति 1, प्रारंभ में कुछ सप्ताह या महीने सीखने सिखाने का सारा काम बच्चों की घर की भाषा में ही करें। तो ध्यान रखें, रणनीति नंबर 1, कुछ सप्ताह या महीने भर सीखने सिखाने की जो काम है वो बच्चों की भाषा या बच्चों की घर की भाषा में किया जाना चाहिए। रणनीति 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा का संतुलित और रणनीतिक प्रयोग करें, दोनों भाषाओं का संतुलन बनाना आवश्यक है। इसके लिए रणनीति बना करके आपको काम करना पड़ेगा, शिक्षक को काम करना पड़ेगा। L1 और L2 के मिश्रित प्रयोग को मान्यता और बढ़ावा दे। चौथा रणनीति है, बच्चों की संस्कृति और स्थानीय संदर्भों को शामिल करें। और रणनीति नंबर 5 है, पढ़ना लिखना सिखाने में बच्चों की भाषा की मदद लें, उनकी भाषा की मदद लें। तो ये इस तरह से यदि हम रणनीति बना करके काम करते हैं तो बहुभाषीय शिक्षा, बहुभाषिकता को हम अच्छी तरह से समझेंगे और उसका उपयोग बच्चों के सीखने सिखाने में हम कर सकेंगे।